दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको बस्तर यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट फॉर्म भरने को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर डेट बताऊंगा, इनरोलमेंट फॉर्म भरने की डेट कब स्टार्ट होगी, फिर हार्ड कॉपी कब तक सबमिट करना है, इनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी द्वारा कब जारी किया जाएगा और इनरोलमेंट कार्ड को आप कब डाउनलोड कर सकेंगे, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फॉर्म भरने के लिए निर्देश, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसके अंदर जो नए अभी एडमिशन लिए हैं उन लोगों का इनरोलमेंट कैसे होगा, उसके बाद रिन्यू वाले का कैसा होगा, और जो दूसरे यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में आए हैं उनका कैसे होगा, फिर यही यूनिवर्सिटी के जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुए हैं उनका कैसे होगा, ये सब बताऊंगा। और उसके बाद फीस, तो यहीं के जो स्टूडेंट हैं उनको कितना फीस लगेगा और जो अदर यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में आए उनको क्या फीस लगेगा, अगर आपको नेम चेंज करवाना है, कोई प्रॉब्लम है नेम में, तो उसका क्या फीस लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि बस्तर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं और इनका जो खुद का यूटीटी विभाग है यानी कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला है, जिसमें अभी जो नए एडमिट लिए 2022-23 में, उसके यूजी पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट का नामांकन जो है ऑनलाइन होगा। इसका वेबसाइट है bvvgdpexam.in जो कि बस्तर विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये जो स्टार्ट हो रही है कॉलेज और यूटीटी दोनों के लिए, नियमित छात्राओं के लिए जो अभी रेगुलर के लिए एडमिशन लिए हैं उनका यहाँ पर स्टार्ट जो हो रहा है आवेदन करने की, जिसमें आप लोग आवेदन करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे, तो वो डेट हो रही है कल से, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। उसके बाद इसकी जो हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में जमा करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग इसमें अपलोड करेंगे उन सभी का हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी इसको प्रिंट करके निकालेंगे, उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको जो जमा करने की डेट है वो 17 से 31 अक्टूबर तक ये भी रहेगा। मतलब जिस दिन से आपने आवेदन किया उसकी प्रिंट निकाली और जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किए थे सारे को निकाल कर उसके साथ एक ही प्रिंट लगा कर उसको आपको कॉलेज में अपने जमा कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है वेरिफिकेशन होगा उसी दिन से जिस दिन से आप जमा करेंगे, कॉलेज वाले इसको वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई होने के बाद इसको जो है कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे, उसके लिए 1 तारीख से लेके 5 तारीख यानी कि 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा इसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद आपका नामांकन क्रमांक का आवंटन किया जाएगा, यानी कि इनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 7 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। तो फिर आप लोग जो है अपना इनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 14 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप लोग अपना इनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो इसके लिए जो निर्देश है सामान्य निर्देश देखते हैं किस प्रकार से भरना है। तो जो न्यू भरना है किस किस स्टूडेंट का यहाँ पर नया भरना जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएचएससी यानी कि बैचलर ऑफ होम साइंस का पार्ट वन, एलएलबी पार्ट वन का फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का स्नातक लेवल पे और पीजी लेवल पे, एमएससी, एमए, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर बीकॉम है लेकिन पीजी में एमकॉम नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा डीसीए, पीजी डीसीए, पीजी डीजेएमसी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और पीजी डीटीए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट सेमेस्टर। इसके लिए जो है नया नामांकन फॉर्म जो भी अभी एडमिशन इसमें लिए है वो लोग भर सकते हैं। इसके लिए उनको क्या करना होगा, सबसे पहले जो बस्तर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है बी
jdpexam.in में जाना है, उसके बाद सर्च इनरोलमेंट में क्लिक करना है। ठीक है, सर्च इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे निर्देश, उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना है। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन के समय जो आपको यूजर आईडी प्राप्त हुआ था, यूजर आईडी और डेट ऑफ बर्थ का एंट्री करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप लोग अपना मोबाइल नंबर देंगे उसको, तो मोबाइल नंबर देंगे तो मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी यूजर आईडी और पासवर्ड का प्राप्त करके स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आपको लॉगिन करना है और इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी है। आवश्यकता अनुसार 10वीं 12वीं यूजी माइग्रेशन पात्रता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ये सब अपलोड हो जाने के बाद आप लोगों को फीस करने के लिए प्लीज सबमिट योर इनरोलमेंट फीस पर क्लिक करना है और फिर अपना जो फीस है वो ऑनलाइन भुगतान करना है। अब यहाँ पर फीस कितना है मैं आगे बताऊंगा, तो ये जो प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद फीस पेमेंट करने के बाद प्रिंट इनरोलमेंट पर क्लिक करके वो जो इनरोलमेंट फॉर्म जो आपने भरा है वो फीस का भी रिसिप्ट आपको पूरा यहाँ पर जो है डाउनलोड करके रख लेना है प्रिंट करके। ठीक है, और अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको अच्छे से सेव करके रखना है, कहीं पर लिख कर रख लीजिए, आपके आगे काम आने वाले, क्योंकि इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा जब हो आवेदन करेंगे उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए भी यही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको काम में आएगा। ये तो हो गया नए वाले के लिए। अब जो रिन्यू करने को लगे जो पहले से इसमें है, यानी कि जो बस्तर यूनिवर्सिटी के किसी परीक्षा में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, उनको शहीद महेंद्र कर्म के किसी अन्य कक्षा में पुनः प्रवेश लेने अथवा गैप होने पर नामांकन नवीनीकरण करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार के स्टूडेंट के लिए उसमें कौन कौन से क्लास के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बैचलर ऑफ होम साइंस पार्ट 1, 2, 3, एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, पीजी लेवल में एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर और डीसीए, पीजी डीसीए, पीजी डीजेएमसी और पीजी डीटीए के फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि जो इसमें में फेल हो गए, पास हो गए या फिर पास हुए गैप हो गया, ये सारे लोग यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले उनके पास, क्योंकि ये रिन्यू वाले हैं तो इनका ऑलरेडी आईडी बन चुका है ना, तो इनको डबल से आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट ये लोग स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, यूजर और पासवर्ड के माध्यम से लोग लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिन्यू इनरोलमेंट, उस पर क्लिक करके इनरोलमेंट की वही प्रक्रिया है, सब डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड ये करके आपको इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरा करना है। उसके बाद प्लीज सबमिट योर इनरोलमेंट फीस पर क्लिक करना है। इनके लिए जो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का वो नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास नवीनीकरण वाले, इनके पास पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। ठीक है, फीस पेमेंट करने के बाद प्रिंट इनरोलमेंट पर क्लिक करके उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखेंगे और डॉक्यूमेंट भी इसमें यही है, और क्योंकि बाद में आपको इनरोलमेंट ये जो है प्रिंट उसका दिखाना पड़ सकता है तो अपने पास रखेंगे। और जैसे कि बाहर के यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट पास होकर यहाँ पर जो आए हैं बस्तर यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में वो लोग एडमिशन लिए हैं, जिनके पास बस्तर यूनिवर्सिटी का यूजर आईडी नहीं है, तो उनको क्या करना है कि सबसे पहले उनको ये वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पर जाकर एडमिशन का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करना। इनको एडमिशन जो ये वेबसाइट पर जाएंगे उसके बाद एडमिशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एडमिशन वाले ऑप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे तब उनको रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पर मिल जाएगा और यहां पर उसको उसको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी का आपको वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, अगर यूटीडी वाले हैं तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज से आप लोग इसको वेरीफाई एंड एडमिटेड कराएंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके प्रिंट आउट की प्रति को कॉलेज और अगर आप यूटीडी वाले हैं तो यूनिवर्सिटी के यूटीडी विभाग में वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद ये सब होने के बाद जो न्यू वाले के लिए, जैसे कि पहले में बताया था किस प्रकार से करना है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी पासवर्ड वहाँ पर बना लेना है और फिर बाकी की प्रक्रिया यहाँ पर वही जो कि पहले स्टेप में मैंने बताया था वैसा ही करना है।
अब उसके बाद शहीद महेंद्र कर्मा यानी कि बस्तर यूनिवर्सिटी से पास जो परीक्षार्थी है उसकी अगली कक्षा में पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं के यहाँ पे निर्देश है। तो जो अगले क्लास में जो पहुँचे हैं उनको, तो इनके पास जो है सबसे पहले इनको बस्तर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कॉलेज लॉगिन में प्राचार्य विभागाध्यक्ष के यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे। तो इनको जो है जो अगले क्लास में प्रमोट हुए है इनका जो है कॉलेज के प्राचार्य इनको ऑटोमेटिक वो लोग करेंगे। एडमिशन में क्लिक करके अब ये जो है आपको नहीं करना पड़ेगा, ये जो है क्योंकि इनमें जो है प्राचार्य का काम है वो लोग वहाँ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, इसमें आप लोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसको आप लोग नहीं कर सकते। जो अगले क्लास में प्रमोट हो रहे हैं वो लोग वो कॉलेज द्वारा ऑटोमेटिक कर दिए जाएंगे। यहाँ पर फीस के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो है नामांकन के लिए 100 रुपये है, जो कि किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन भुगतान करते समय अपना जो बैंक के संबंधी डिटेल है वो किसी को ना दे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इनरोलमेंट फीस का भुगतान कर दिया है और आपके अकाउंट से पैसे कट गई है लेकिन ट्रांजैक्शन में दिखा रहे सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो दोबारा पेमेंट ना करें और पोर्टल में ट्रांजैक्शन कंप्लेन में जाकर ऑनलाइन भुगतान करते समय प्राप्त जो ट्रांजैक्शन आईडी रहते हैं उसको दर्ज करें। ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ट्राय सेटलमेंट पर क्लिक करें, ठीक है। दोबारा पेमेंट नहीं करना है अगर पेंडिंग स्टेटस आ रहा है तो, बाद में वो फिर कंफर्म हो जाता है, इसलिए जल्दीबाजी ना करें, एक ही बार पेमेंट करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है नाम में अगर कुछ चेंज करवाना है आपको, देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्म भरेंगे आपके 12वीं के जो सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं का जो आपका मार्कलिस्ट है उसमें जो नाम आपके लिखे गए उसी के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। अगर उसमें अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो 150 रुपये शुल्क जमा करके अनुमति प्राप्त होने पर ही वांछित परिवर्तित नाम लिखें। शपथ पत्र हलफनामा को कॉलेज यूनिवर्सिटी में के मांग के अनुसार उपलब्ध कराए, तो नाम चेंज करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम लोचा हो जाता है, तो देख के भरिएगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर जो है आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सबमिट अदर फीस पर जाकर, यहाँ पर लॉगिन होने के बाद सबमिट अदर फीस वाले ऑप्शन में जाना है और अप्रवासन इमिग्रेशन शुल्क 250 रुपये इनको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आपको आती है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने हेल्पलाइन दिया है, उस पर भी आप लोग कॉल करके यहाँ पर जो है समाधान पा सकते। बार बार भुगतान का प्रयास नहीं करना, केवल एक ही बार करना है और अधिक भुगतान होने पर फीस वापस नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कंप्लेन बॉक्स भी है, तो आप लोग जाएंगे अदर कंप्लेंस बॉक्स में, जो कि बस्तर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अदर कंप्लेन बॉक्स में जाकर आप लोग यहाँ पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। अदर कंप्लेन बॉक्स में जाने के बाद उसमें नेम, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी दर्ज करके अपना प्रॉब्लम मैसेज में बॉक्स में टाइप करके सबमिट कंप्लेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके जो है कंप्लेन वहाँ पे दर्ज हो जाएगी। और उसके लिए कंप्लेन स्थिति जानने के लिए फिर से वहीं पर जाके ट्रैक कंप्लेन कर सकते हैं। बस इतना ही है आपका, बाकी यहाँ पर कॉलेज वालों के लिए नोटिफिकेशन जो निर्देश है वो दिए गए हैं, उनको पहले से मालूम है क्या करना है, तो आपका काम यहाँ तक है, ठीक है। तो ये था बस्तर यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट प्रक्रिया को लेकर ये तमाम जानकारी, कल से स्टार्ट हो रही है, 30 अक्टूबर तक आप लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।